जो लोग अंक शास्त्र यानी कि न्यूमरोलॉजी पर विश्वास करते हैं, उनका यह स्पष्ट मत है कि जीवन के हर क्षेत्र जैसे कि विवाह, करियर, संतान, प्रेम, अभिभावक आदि में सफलता प्राप्त करने के लिए अंकों का विशेष महत्व है। ये अंक हमारे साथ हमारे आसपास होने वाली घटनाओं पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं और इस प्रभाव का साक्षी केवल वही व्यक्ति हो सकता है जो अंक शास्त्र के चमत्कार पर विश्वास करता है। हर किसी के साथ अंकों का संबंध होता है। डेट ऑफ बर्थ और आपका मोबाइल, ये ऐसे अंक हैं जो हमेशा आपके साथ होते हैं। ये अंक आपकी पहचान बन जाते हैं। डेट ऑफ बर्थ का जोड़ आपका मूलांक होता है और डेट ऑफ बर्थ के साथ जन्म का महीना और साल भी जोड़ दिया जाए तो यह आपका भाग्यांक बन जाता है। ये मूलांक और भाग्यांक आपके ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं, ये तो हम कई बार देख या पढ़ चुके होंगे। आज जानते हैं आपके फोन नंबर का जोड़ आपको किस तरह प्रभावित करता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि मोबाइल फोन का जोड़ आप निकाल कैसे सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर के 10 अंक हैं, उन सभी को जमा कर लेंगे तो यह आपके मोबाइल का अंक आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपका मोबाइल नंबर 9876543210 है तो इसका जोड़ हुआ 45, तो आपका अंक हुआ 4 + 5 यानी 9। आइए जाने आपके मोबाइल का अंक आपके ऊपर क्या प्रभाव डालता है। अंक 1। 1 का अंक काफी मजबूत माना जाता है। यह व्यक्ति की ऊर्जा को बढ़ाता ही है, साथ ही सामने वाले व्यक्ति को भी प्रभावित करता है। आपको अचानक मिली खुशी जैसे अवसरों पर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। बिजनेस या जॉब कर रहे लोगों के मोबाइल नंबर का जोड़ 1 होना एक सकारात्मक बात है, जबकि जो लोग सिंगल हैं और प्रेम की तलाश कर रहे हैं तो उनके लिए 1 का अंक उतना फलदायी साबित नहीं होने वाला। अंक 2। 2 का अंक काफी रोमांटिक माना जाता है। प्रेम की तलाश कर रहे लोगों के लिए यह अंक फायदेमंद है। अगर आपके मोबाइल में यह अंक बार बार आता है तो इसका अर्थ यह है कि आप काफी दयालु और डिप्लोमेटिक स्वभाव के व्यक्ति हैं। जो लोग अपनी राय रखना जानते हैं या वे लोग जो सेल्स के काम से जुड़े हैं, उनके लिए यह अंक काफी लाभदायक है। अंक 3। 3 अंक वाले जातक काफी रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव माने जाते हैं। अन्य लोग इनकी कंपनी एंजॉय करते हैं। ये अंक कलाकार, म्यूजिशियन और आर्ट फील्ड में अपना करियर तलाशने वाले लोगों के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है। खासकर लेखकों के करियर में इस अंक का खास योगदान हो सकता है। अंक 4। ये नंबर स्थिरता और भरोसे का प्रतीक है। बैंकिंग और लॉ फर्म से जुड़े लोगों के लिए यह अंक काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो यह नंबर आपके लिए लाभदायक है। अगर आप अकेले रहते हैं और उपरोक्त बताए गए किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए नहीं हैं, तो आपको इस अंक का चयन नहीं करना चाहिए। अंक 5। ये अंक परिवर्तन और बदलाव का प्रतीक है। यह आपके जीवन में रोमांच और जोखिम दोनों ला सकता है। जो लोग इस अंक का मोबाइल रखते हैं वो अपने जीवन में कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जो लोग परिवार के साथ रहते हैं या किसी प्रकार की मानसिक रोग से पीड़ित हैं, उन्हें यह अंक नहीं रखना चाहिए। अंक 6। जो लोग परिवार को महत्व देते हैं, जिनकी खुशी उनके परिवार की खुशी में ही निहित है, उन्हें इस अंक को रखना चाहिए। यह अंक आपके स्वभाव में केयर और सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। परंतु वे लोग जो प्रेम की तलाश कर रहे हैं, उन्हें किसी अन्य अंक का चुनाव करना चाहिए। अंक 7। यह अंक आपको संतुलित जीवन दे सकता है। विद्यार्थियों और चिंतन क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस अंक का मोबाइल नंबर रखना चाहिए। आपके जीवन में इसका लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। अंक 8। जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें यह अंक रखना चाहिए, क्योंकि यह धन को आकर्षित करता है। साथ ही यह आपको एक आत्मविश्वास से भी परिपूर्ण बनाता है। जो लोग अपने जीवन के लिए आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं या जो अपने करियर के प्रति गंभीर हैं, उन्हें अपने मोबाइल का नंबर यही रखना चाहिए। अंक 9। इस अंक की 2 मुख्य विशेषता हैं, दया और आदर्श। इस अंक को रखने वाले लोगों के साथ भाग्य का साथ होता है, परंतु वे लोग जिन्हें किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, उन्हें यह अंक नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आप हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।